Competition Committee, as always, is coming up with its new initiative in the interest of CGPSC aspirants with its latest CGPSC pre-mobile course for English medium students. And in this course, with flowchart, images, and in other creative way, I have covered all the required dimensions of Indian economy and Indian geography subject for CGPSC prelims exam. So without wasting time, grab the opportunity. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ कंपटीशन कम्युनिटी। मैं हूं निकल परवीन खान और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम सीजीपीएससी मेंस में जो हिस्ट्री का सेक्शन है उसके लास्ट 3 इयर्स के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे। करीब महीने भर पहले एक सर्वे के तहत आपकी तरफ से डिमांड आई थी कि पास्ट ईयर पेपर्स जो सीजीपीएससी मेंस के हैं उसका एनालिसिस हम करें, और हमने कहा था कि नवंबर में हम इसका एनालिसिस आपको प्रोवाइड करवाएंगे यूट्यूब में। तो बस उसी के तहत ये सीरीज स्टार्ट की गई है, और आज की इस लेक्चर में जैसे कि अभी मैंने कहा कि हिस्ट्री का जो मेंस का पेपर है 2016, 17 और 18 इसका एनालिसिस करेंगे। देखिए 2016, 17 तक के तो पैटर्न, सेक्शंस, रिविजन्स काफी अलग थे, 2018 में बदल गया। 2017 तक अगर हम देखें तो सेक्शन 1, सेक्शन 2 दोनों में ही हिस्ट्री आता था, पेपर 3 जो होता था, ठीक। और अब क्या है, ये कंबाइन करके सेक्शन 1 में आ गया है पेपर 3 के, ठीक है। अब 3 ही सेक्शन होते, पहले 5 सेक्शन हुआ करते थे, तो अब जो है टोटल पूरा हिस्ट्री जो है वो सेक्शन 1 में डाल दिया है। एक बदलाव ये हुआ। दूसरा जो चेंज हुआ वो ये कि मिडिवल हिस्ट्री पूरा जो दिल्ली सल्तनत है और जो मुगल एरा है उसे डाल दिया गया है, पहले वो इंक्लूडेड नहीं था, ठीक है। तो इस हिसाब से जो प्रेडिक्शंस होंगे, जो एनालिसिस होगा, वो पहले क्या था और अब क्या है, मैं थोड़ा सा उस चीज को मद्देनजर रखते हुए हम करेंगे कि पहले का पैटर्न और सिलेबस अलग था, इस वजह से उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट अभी नहीं पड़ेगा क्योंकि अब वो नए पैटर्न के हिसाब से है। 2018 में जो हुआ उसका इम्पैक्ट ज्यादा पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो नए पैटर्न सिलेबस के हिसाब से बने हैं क्वेश्चंस, ठीक है। अब क्योंकि 16-17 में दो दो सेक्शंस थे तो इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है, हम एक एनालिसिस वीडियो में सारे क्वेश्चंस के आंसर नहीं ले सकते। इसलिए इस वीडियो का मेन मकसद होगा कि आपको मैं बताऊं कि अगर 2 मार्कर क्वेश्चन है, 4 मार्कर क्वेश्चन है, 8 मार्कर क्वेश्चन है, 10 है, 15 है, व्हाटसोएवर, अगर ऐसे क्वेश्चंस हैं तो उसके आंसर्स आप कैसे करें, कैसे लिखें पूछे गए क्वेश्चंस में। मैं आपको यहाँ पढ़ाऊंगी नहीं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें हो जाएंगी फिर पढ़ाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। जहाँ जरूरी लगेगा कुछ चीजें जहाँ पे मुझे फैक्ट्स बताने होंगे कि आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, वहां पे मैं कुछ चीजें पढ़ाऊंगी जरूर, बट यहाँ पे मेनली वो क्वेश्चन जो वहां पूछे गए हैं उसको लिखना कैसे वो बताया जाएगा। बाकी अगर आपको उस क्वेश्चन की डिटेल जाननी, उस टॉपिक की डिटेल जाननी, तो आप वीडियो लेक्चर्स को रिफर कर सकते हैं जो टॉपिक के ऊपर है, ठीक है। तो हम आज हिस्ट्री का जो एनालिसिस करेंगे वो मार्क्स वाइज करेंगे। पहले में 16, 17, 18 के सारे 2 मार्कर क्वेश्चंस, फिर 4 मार्कर क्वेश्चंस, फिर जो आगे के क्वेश्चंस हैं जैसे कि 8 मार्कर क्वेश्चंस, और उसके बाद फिर 2016-17 में आपके 20 मार्क्स के और 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आया करते थे उसको देखेंगे, और 2018 जो है उसमें 15 मार्क हिस्ट्री वाला सेक्शन जो है सेक्शन 1 है, इस वजह से इसमें 15 मार्कर क्वेश्चन आता है, आप सभी जानते होंगे। तो इस 15 मार्क्स का क्वेश्चन जो 2018 में है उसको हम एक एक करके देखेंगे। सो लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विथ द 2 मार्कर क्वेश्चंस। जैसे कि आप जानते ही हैं कि 2 मार्कर जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें वर्ड लिमिट दी रहती है 30, और इसके लिए आपको 3 से 4 लाइनें दी गई रहती हैं। जितने 2 मार्कर क्वेश्चंस होते हैं, मैं हमेशा अपने हर वीडियो में बताती हूँ लेकिन इसे दोहराती हूँ, हो सकता है आपने सिर्फ यही वीडियो देखा हो, 2 मार्कर जितने क्वेश्चंस होते हैं या तो वो डेफिनेशंस होते हैं या तो वो फैक्ट्स होते हैं, ठीक है। ये पूरा फैक्ट सीखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव का ही रिटर्न फॉर्म है, आप ये मान के चलिए, जो ऑब्जेक्टिव्स आप सॉल्व करते हैं उसी का रिटर्न फॉर्म 2 मार्कर क्वेश्चन है। आप सही से आंकड़े लिखिए, कोई भूमिका मत बांधे, कोई निष्कर्ष ना निकाले, कोई इसका बैकग्राउंड ना दे, जो पूछा है तथ्यात्मक रूप से वो लिख दीजिए और आपको मार्क्स पूरे पूरे 2 मिल सकते हैं, ठीक है। ये सबसे स्कोरिंग पार्ट होता है क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें बहुत ज्यादा होते हैं, पहले थोड़े कम होते थे लेकिन अब देखिए 2 मार्कर क्वेश्चन के 8-8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2018 के, आप क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो उसमें 8 क्वेश्चन है, ठीक है, नए पैटर्न के हिसाब से। तो इसमें ऐसा है कि आप जिस तरह से ऑब्जेक्टिव में ज्यादा स्कोर कर सकते हो, जिस तरह से फैक्चुअल में आप जानते हैं कि ज्यादा स्कोरिंग होता है, वैसे ही आपने अगर फैक्ट टू फैक्ट, पॉइंट टू पॉइंट लिख दिया तो इसमें से मैक्सिमम, इस सेक्शन में से आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सकते हैं,
ठीक 2016 के अगर हम क्वेश्चंस देखें तो देखिए पहला वाला जो सेक्शन था जिसमें एंशियंट मेडिवल का थोड़ा बहुत पार्ट था, एंशियंट मैक्सिमम और मेडिवल में मराठा वाला पार्ट, उसे 4 क्वेश्चंस आए थे। और इसके बाद जो सेक्शन है जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री वाला सेक्शन था उससे 1 क्वेश्चंस थे। तो एक एक करके हम देखते हैं 2 मार्कर क्वेश्चन में। पहला है सिंधु सभ्यता के पतन की 4 संभावित कारणों का उल्लेख कीजिए। जब आपने मेरे मोबाइल कोर्स के लेक्चर्स देखेंगे तो उसमें भी मैंने बताया था कि एंशियंट इंडियन हिस्ट्री से इंडस वैली से क्वेश्चंस पूछता ही पूछता है, चाहे वो 2 में पूछे चाहे 4 में, और ज्यादा चांस 2 मार्क्स में होते हैं। जितने भी साइट्स होते हैं जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा यहाँ से क्वेश्चन पूछने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, या फीचर्स, तो फैक्चुअल क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं वो मैंने आपको बताया था। लेकिन बुद्धिज्म, सिंधु घाटी सभ्यता, ये जो है ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछेगा ही, ठीक है। और आप देखिएगा 2016 में भी पहला क्वेश्चन इसी से आया, 2017 में पहला 2 मार्कर क्वेश्चन इसी से आया। तो पतन के कारणों में आपको बताया है मैंने लेक्चर में, डिटेल नहीं जाऊंगी मैं पहले बता रही हूँ, सतही रूप से बताऊंगी बस लिखना कैसा है। तो देखिए पतन के कारणों में मैंने आपको लेक्चर में ये बताया है कि इसके पतन के कारण क्लियर नहीं है। कई अलग अलग इतिहासकारों ने अपने हिसाब से, अपनी स्टडी के हिसाब से इसके कारण बताए हैं, ठीक। किसी ने कहा एपिडेमिक, किसी ने कहा फ्लड आया होगा, तो किसी ने कहा कि कोई जलवायु परिवर्तन हुआ होगा, ऐसे बहुत सारे कारण हैं। मैंने आपको गॉर्डन चाइल्ड, व्हीलर और इस तरह के जॉन मार्शल से बहुत सारे हिस्टोरियंस के नाम बताए। आपको पूछा है कोई 4 संभावित कारण, अगर आपको उसमें पूरे 2 मार्क्स लेने हैं तो आप कोई 4 इतिहासकारों के नाम लिखिए और उनके जो मत हैं उनको लिख दीजिए, आपके 2 मार्क्स कहीं नहीं गए। ये एकदम इतना परफेक्ट 2 मार्क्स के लिए आप 4 के नाम लिख दीजिए और उनके द्वारा दिए गए मत। आपको एकदम सबके नाम याद नहीं आते लेकिन आपको अलग अलग विभिन्न मत याद आते हैं, तो आप 1-2 के कम से कम नाम लिख के बता दें कि इन्होंने ऐसा कहा, इन्होंने ऐसा कहा। बाकी इनके अलावा दूसरे इतिहासकारों का कहना है कि इससे भी पतन हो सकता है, उससे भी पतन हो सकता है, ठीक है। ऐसा करके आप बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन उसमें संभावना कम है पूरे 2 मार्क्स मिलने की, 1.5 मार्क्स तक मिल सकता है और एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है वो 2 मार्क्स भी दे सकता है। लेकिन परफेक्ट के लिए 4 नाम लिखे, उनकी मत लिखते, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 में मूव ऑन करते हैं। बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के 4 प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। बुद्धिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, अभी मैंने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता और बौद्ध धर्म दोनों से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। बुद्धिज्म के उदय के कारणों में मैंने आपको बताया था कि उस वक्त हिंदू समाज में व्याप्त जो जाति व्यवस्था थी, जो वर्ण व्यवस्था थी, उसका एक रिएक्शन के तौर पर बुद्धिज्म को पॉपुलैरिटी मिली थी। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार पाली भाषा में हुआ करता था, या मैं कहूँ जन सामान्य की भाषा में हुआ करता था, तो आम लोगों की भाषा में प्रचार होने की वजह से भी इसको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस मिला। इसमें कोई भी ऊंच नीच, कोई जात पात की बात नहीं, नॉन वायलेंस को सपोर्ट करता है बुद्धिज्म भी और जैनिज्म भी। तो उस वक्त वैश्यों ने, खासतौर पर वैश्यों ने, क्षत्रियों ने काफी सपोर्ट किया था एंटी ब्राह्मिन एक रिजीम के तहत बुद्धिज्म को। तो ऐसे 2-3 कारण अभी बता रही, बाकी डिटेल कारण वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि क्वेश्चन पॉइंट वाइज लिखे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इसका आंसर अगर आप करेंगे, 4 मेन कॉजेस पूछा है क्वेश्चन में, बोला है कि आप पॉइंट्स में इसका आंसर लिखिए, तो जो भी आपने एक्सप्लेनेशन में सुना उसके 4 पॉइंट बनाकर लिख दीजिए, 4 सॉलिड पॉइंट्स होंगे तो 2 मार्क्स आपके, ठीक। अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। राइट द नेम्स ऑफ 2 टेम्पल्स बिल्ट ड्यूरिंग द विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर में अगर कोई एक राजा है जिसके समय के बारे में हमने सबसे ज्यादा पढ़ा है तो वो है कृष्णदेव राय। तो कृष्णदेव राय के वक्त ही हमने हजारा देवी का मंदिर, विठल स्वामी का मंदिर उन्होंने बनवाया, ऐसा पढ़ा था, ठीक है। तो आप वो 2 नाम लिख दीजिए, दैट विल सफाइस। हालांकि हम्पी के जो पूरे अवशेष हैं वहां पर भी कुछ मंदिर है, वहां पर भी उल्लेख कर सकते हैं। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, 2 मार्कर में भी आ सकता है। अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। मराठों के अभ्युदय के 4 कारणों का उल्लेख कीजिए। मिडिवल इंडियन हिस्ट्री उस टाइम 2016 में नहीं थी, लेकिन एक लौता मराठा वाला जो टॉपिक था जो मिडिवल और मॉडर्न को लिंक करता है, वहां से क्वेश्चंस आते ही हैं। अब तो मिडिवल पूरा आ गया है, तो ऐसा है कि कुछ मराठे से पूछेगा, कुछ मुगल से पूछेगा, कुछ आपका एंशियंट से, कुछ आपका दिल्ली सल्तनत से पूछेगा। मराठों का एक लिंकिंग वाला फॉर्म है ना कि मिडिवल और मॉडर्न दोनों को वो ज्वाइन करता है, इसलिए वो इंपॉर्टेंट बना ही रहता है हमेशा। तो अभ्युदय के कारण मैंने आपको मराठा स्टार्ट करते ही बताया था कि ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी है जिससे बाहरी लोग उस लोकेशन में फतेह हासिल नहीं कर सकते। उसके अलावा मराठा बलिष्ठ जवान, उसके अलावा उस वक्त चले भक्ति आंदोलन के संतों का प्रभाव, ऐसे मैंने आपको 3-4 पॉइंट्स बताए थे कि क्यों मराठा पावर इतना ज्यादा रेज हुआ, और शिवाजी की महत्वाकांक्षाएं, हिंद स्वराज बनाने की महत्वाकांक्षाएं, ऐसे बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। ऐसे आप
अब यहाँ तो चार प्रमुख कारण है, तो इसने सीधा बोल ही दिया कि आपको कितने लिखना है। अगर सिर्फ प्रमुख कारण बोलता तो तीन अच्छे और एक आध मीडियोकर भी लिख सकते थे, दो अच्छे लिखकर एक भूमिका बांधकर लिख सकते थे, लेकिन जब सीधा पूछ रहा है कि चार चार बताएं तो आप चार पॉइंट्स लिखिए, कोई भूमिका नहीं, कोई निष्कर्ष नहीं, आपको आंसर का पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, फाइन विद दैट। तो देखिए हिंदू और बौद्ध धर्म से तो पूछता ही है, बाकी विजयनगर से हमेशा पूछेगा जरूरी नहीं, मराठों से भी पूछता ही है। आगे बढ़ते हैं, 2016 में ही हिस्ट्री का क्वेश्चन था दो मार्क में, एनी बेसेंट और महात्मा गांधी द्वारा किए गए प्रारंभ किए गए समाचार पत्रों के नाम लिखिए। मॉडर्न हिस्ट्री में आप पूरा जब हिस्ट्री पढ़ लेते तो बहुत सारे फैक्ट्स को याद करने के लिए मैं आपको कहती हूँ, जैसे कि स्लोगन्स याद कर लीजिए, अलग अलग जो राजनेता है उनको दिए गए टाइटल्स जो है, उपाधियां हैं उन्हें याद कर लीजिए, विभिन्न जो नेता है उनके द्वारा लिखी गई जो किताबें हैं वो भी इम्पोर्टेंट लिस्ट है, जो न्यूज़पेपर रिलीज हुए हैं वो उनकी लिस्ट है, ये सारी चीजों को आपको याद करना रहता है, उसी में से उठाकर ये दे दिया है। तो आप जानते हैं यंग इंडिया, हिंद स्वराज, ठीक है, उसके अलावा न्यू इंडिया, कॉमन वीर, ये वो न्यूज़पेपर्स हैं जो एनी बेसेंट और महात्मा गांधी ने रिलीज किए थे। आप दो दो नाम लिख लीजिए पूरे मार्क्स आपके, दोनों के अगर दो दो नाम लिख देंगे तो पूरे मार्क्स आपके, दो दो इसलिए नाम लिखने जरूरी है क्योंकि इन लोगों ने दो दो लॉन्च किए थे, दो से ज्यादा लॉन्च किए थे। आप मान लीजिए नेशनल हेराल्ड पूछ रहा है, कोई ऐसे नेता है जिन्होंने एक ही न्यूज़पेपर लॉन्च किया तो आप उनका एक ही नाम लिखे आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, पर इन लोगों ने ज्यादा न्यूज़पेपर लॉन्च किए थे तो कोई दो दो नाम तो आपको लिखने ही पड़ेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं, स्वामी विवेकानंद के शिकागो भाषण का मुख्य सार क्या था, कौन से सेक्शन से ये क्वेश्चन, ये तो समझ में आ रहा है कि गांधी ने रस है, ये सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स जो आपने पढ़ा ना, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जो आधुनिक भारत में विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन रॉय ने लाया था, उन्होंने समाज में भी काफी चीजें उनका इम्पैक्ट पड़ा और भारत के नेशनल मूवमेंट्स में भी पड़ा, तो वहां से क्वेश्चंस आने के बहुत चांसेस रहते हैं। ठीक है, अक्सर आते हैं, किसी न किसी फॉर्मेट में आपको मिलेंगे। ठीक, तो आप जानते होंगे कि स्वामी विवेकानंद की लाइफ जब आप पढ़ते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक इंसिडेंट है जब उन्होंने 1893 में शिकागो के धर्म सम्मेलन में हिस्सा लिया और भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए मेरे प्यारे अमरीकी भाइयों और बहनों से शुरुआत की थी अपने भाषण की, और भारत में जो कह सकते हैं आप रीजनल या कल्चरल डाइवर्सिटी है उसकी खूबसूरती का बयान किया था। ठीक है, उन्होंने शायद आपको पता होगा कि 1893 के भाषण में कहा था कि भारत एक ऐसे समुद्र के जैसे है जिसमें कई सारी नदियों की धाराएं आकर मिलती हैं, ठीक है, जो सभी धाराओं को अपने अंदर समाहित करता है। ठीक, तो सार क्या था, इंडिया की कल्चरल डाइवर्सिटी को एक प्राउडनेस के साथ, एक गर्व के साथ उन्होंने खूबसूरती से पेश किया था और पूरे विश्व को बताया था कि भारत एक लौता ऐसा देश है जहाँ इतने सारे धर्म, इतने सारे जो और कल्चर्स हैं वो पीसफुली एग्जिस्ट करते हैं। तो ये उनके भाषण का सार था। आप इस भाषण के बारे में और जितनी चीजें जान सकते हैं जाने, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन कॉन्फ्रंट करेगा स्वामी विवेकानंद की लाइफ से। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 57 की क्रांति में अजीमुल्लाह खान की क्या भूमिका थी, 57 की क्रांति मॉडर्न हिस्ट्री है तो 57 की क्रांति से हर साल क्वेश्चन पूछा है। आप देख सकते हैं 2 मार्कर या 4 मार्कर में तो पूछा ही है, कोई भी एक लीडर का नाम पूछ देगा और पूछेगा कि बताइए इनकी क्या भूमिका थी। आपको जब 1857 का रिवोल्ट मैंने पढ़ाया था तो उसमें आपको मैंने दिल्ली से लेकर, लखनऊ से लेकर, कानपुर, हर जगह, ग्वालियर, झांसी, हर जगह के लीडर्स के नाम बताए थे। आप कोशिश करिए कि उन लीडर्स के बारे में एक आध पॉइंट कि उन्होंने वहां पे लीड किया तो उनके अगेंस्ट कौन गवर्नर कौन से जनरल थे, उन्होंने वहां पे उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था। ठीक है, इतना आप पढ़ लेंगे तो भी काफी होगा। अजीमुल्लाह खान की बात अगर हम करें तो ये एक्चुअली में नाना साहेब जो है कानपुर के, उनके ये दीवान थे। ठीक है, इसलिए इनको दीवान अजीमुल्लाह खान कहा जाता है, इन्हें क्रांति दूत की इनको उपाधि भी दी जाती है। तो ये जो है वो कानपुर से 57 की क्रांति में इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया था, लेकिन बहुत ज्यादा प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से इन्होंने एडवाइजर की भूमिका निभाई थी नाना साहेब की इस पूरी मुहिम में। ठीक है, तो देखिए ना बोलते हुए भी मैं चीजों को बताते जा रही हूँ, लेकिन जरूरी है ताकि आप लिंक कर सके, फ्रेमिंग ऑफ द आंसर से कंटेंट को लिंक कर सके, इसलिए मैंने ये सभी चीजें आपको बताई। ठीक है, अजीमुल्लाह खान के अलावा जितने मेन लीडर्स हैं 57 की क्रांति के, सबके बारे में 30-30 वर्ड जो है वो प्रिपेयर करके आप रखें। ठीक, ये हो गया 2016। उसके बाद आ जाते हैं 2017 में, जो एंशियंट और मेडिवल वाला पार्ट था। पहला क्वेश्चन अगेन सिंधु घाटी सभ्यता से, धातु मूर्तियों पर टिप्पणी लिखी।
आप सभी जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में इसे कॉपर एज भी कहा जाता है, क्योंकि कॉपर की खोज यानी तांबे की खोज हो चुकी थी और ये लोग स्कल्पचर में ब्रॉन्ज और कॉपर दोनों की ही मूर्तियां बनाया करते थे। ठीक, तो आपको 2 मार्कर क्वेश्चन पूछा है, तो आपको भूमिका नहीं बांधनी है, आपको सिर्फ बताना है कि ये ताम्रकास युग होने के कारण यहाँ पे जो मूर्तिकला है, जो स्कल्पचर है, उसमें इन दोनों ही धातुओं का भरपूर उपयोग किया गया, जिसमें आपको शायद सुना होगा आपने कांसे की एक नृत्यांगना यानी डांसिंग गर्ल की जो स्कल्पचर है, जो मूर्ति, वो काफी फेमस एविडेंस है। ठीक है, उसके अलावा एक कॉपर का बना डॉग, लोथल से पाई गई एक ऐसी ब्रॉन्ज की बनी चिड़िया की एक स्कल्पचर है, उसके अलावा हड़प्पा मोहनजोदारो में आपने पढ़ा होगा एविडेंसेस में कि हड़प्पा और मोहनजोदारो से हमको ह्यूमन फिगर्स के कॉपर स्टैच्यूज मिले हैं। तो ये जितनी भी चीजें आपने एविडेंसेस में पढ़ी है ना, कि हमको टेराकोटा की कौन से एविडेंस मिले, यानी कौन से साक्ष्य मिले, हमको धातु की कौन से साक्ष्य मिले, कहाँ से कौन से साक्ष्य मिले हैं, उन्हीं चीजों के ऊपर क्वेश्चन फैक्चुअल पूछ सकता है, पूछा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ एनी 4 मौर्यन रूलर्स आफ्टर अशोक। हम जब मौर्य वंश पढ़ते हैं तो अक्सर क्या होता है, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, फिर हम चले जाते हैं सेकेंड में बिंदुसार और फिर थर्ड में आ जाते हैं अशोक। अशोक के टाइम ही मैक्सिमम पार्ट होता है, फिर हम उसके बाद कुछ पढ़ते नहीं, क्योंकि उसके बाद के राजाओं का जो कार्यकाल है वो उतना उल्लेखनीय नहीं। ठीक है, इसी चीज को भांपते हुए इसने नाम पूछा, डिटेल तो नहीं पूछेगा लेकिन कम से कम आपको पता होना चाहिए कि अशोक के बाद और कौन कौन से राजा थे। अशोक तक ही मौर्य वंश समाप्त नहीं हुआ था, उसके बाद राजा थे, हमने पढ़ा है बृहद्रथ जो है वो मौर्य वंश के अंतिम राजा थे, तो उनका नाम तो आएगा ही। अशोक के बाद आप नाम लिखेंगे दशरथ का, फिर संप्रति का आप नाम लिखेंगे, शालिशुक का नाम लिखेंगे, उसके बाद अब बृहद्रथ का नाम लिखेंगे। तो जितने भी वंश हैं आपने प्राचीन भारत में जितने वंश पढ़े हैं, सभी के जितने इंपॉर्टेंट राजा हैं उनको क्रम से आप जरूर याद कर लीजिए, ऐसे क्वेश्चन फैक्ट्स में आ ही सकते हैं जैसे इसमें आए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विजयनगर राज्य में आने वाले किन्हीं 4 विदेशी यात्रियों के नाम लिखे। देखिए 16 में भी और 17 में भी विजयनगर साम्राज्य सवाल पूछा है। ठीक, तो इसमें आपको जब मैंने ये चैप्टर पढ़ाया था तब बताया था कि इस इम्पोर्टेंट फैक्ट विजयनगर साम्राज्य में होता है कि इस समय बहुत सारे विदेशी यात्रियों ने इस दरबार की, या कहूं मैं इस नगर की यात्रा की थी, अलग अलग जो राजा थे विजयनगर साम्राज्य के उनके समय में यात्रा हुई थी। आपको याद हो अगर तो अब्दुल रजाक, यूनिस, निकोलो कोंटी, डोमिगो पायस, इनके नाम बताया थे मैंने। ठीक है, तो अगर आपको इसमें आंसर में क्वेश्चन 2 मार्कर क्वेश्चन है, अगर आपको पूरे मार्क्स लेने हैं तो आप बस 4 नाम लिख दीजिए ट्रेवलर्स का और वो किस राजा के दरबार में आए थे। जैसे हम पढ़ते ना डोमिगो पायस जो है वो किसके टाइम पे आए थे, कृष्णदेव राय के टाइम पे आए थे, तो अब्दुल रजाक, म्यूनिस किसके टाइम पे आए थे, डोमिंगो पायस किसके नाम पे आए, किसके टाइम पे आए थे, निकोलो कोंटे किसके टाइम पे आए थे, ऐसे आप 4 नाम लिख दीजिए, बारबोसा किसके टाइम पे आए थे, कोई भी 4 लिख दीजिए और सामने राजा का नाम लिख दीजिए तो फुल मार्क्स मिलेंगे। वैसे तो सिर्फ 4 नाम पूछा है, 4 नाम भी आप लिख दोगे और साइड में लिख दोगे कि कहां से आए थे, 2 तरीके हैं इसको आंसर करने के, एक तो ट्रेवलर्स के नाम लिखिए, सामने राजा का नाम लिखिए तो भी 2 मार्क्स मिल सकते हैं, ट्रेवलर्स के नाम लिखिए और ये किस देश से आए थे वो भी लिख दीजिए, जैसे बारबोसा और डोमिंगो पायस जो है पुर्तगाल से आए थे, है ना, अब्दुल रजाक, निकोलो कोंटी आपने पढ़ा कि कोई ईरान से आया, कोई इराक से आया, ठीक है, कोई इटली से आया, तो आप या तो देश लिखिए या तो राजा का नाम लिख लिए और 4 नाम लिख दीजिए, 2 मार्क्स आपके। ठीक, एग्जामिनर पर भी डिपेंड करता है कि वो क्या एक्सपेक्ट करता है। उसके अलावा बक्सर का युद्ध, देखो एज इट इज कॉपी है एक्चुअली क्वेश्चन में बक्सर के युद्ध का ईयर अलग लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, इस पर काफी बवाल भी हुआ था। ठीक है, बक्सर का युद्ध जो है उसके क्या परिणाम थे, बक्सर के युद्ध का ईयर गलत लिखा है, 1764 ना कि 1864, तो क्या परिणाम थे इसको 2 मार्क्स में आपको लिखना है। ये वह निर्णायक युद्ध था जिसके बाद भारत में अंग्रेजों की प्रत्यक्ष रूप से सत्ता स्थापित हो गई। 1765 में हुआ इलाहाबाद की संधि के बाद गवर्नर के तौर पर रॉबर्ट क्लाइव बंगाल में प्रत्यक्ष प्रशासक बन गए। ठीक है, तो जो परिणाम था उसमें आपको इलाहाबाद की संधि का उल्लेख करना है, अंग्रेजों के प्रत्यक्ष प्रशासन की शुरुआत का उल्लेख करना है। तो ये हो गए एंशियंट वाले पार्ट से 2017 के क्वेश्चन। उसके बाद अगर हम आते हैं मॉडर्न वाले पार्ट से, तो पहला क्वेश्चन है देवबंदी स्कूल इन द नेशनल मूवमेंट, इनका क्या योगदान था, व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ देवबंद स्कूल इन द नेशनल मूवमेंट। अगेन सोशल रिलीजियस रिफॉर्म से है, ठीक है, जो आर्य समाज, ब्रह्म समाज, देवबंद स्कूल, अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन पढ़ते ना, वहां से 2 मार्कर क्वेश्चन आने की बहुत चांसेस होते हैं। आप देख सकते हैं 16 और 17 में वही वही सेक्शन से क्वेश्चन बदल कर पूछे।
ठीक, तो देवबंदी स्कूल आपने पढ़ा था, एक मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट है जो सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी में जो देवबंद है वहां से शुरू हुआ था, ठीक है, 1866 में शायद ये स्टार्ट हुआ था, और ये इसकी जो विचारधारा थी वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अलग थी, ये एक ऑर्थोडॉक्स उलमाओं द्वारा शुरू किया गया था, इन्होंने कांग्रेस की स्थापना का सपोर्ट किया था और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जितने भी रेजोल्यूशन होते थे उसको ये इनकार करते थे, उनके खिलाफ इन्होंने फतवा भी जारी किया था। तो नेशनलिस्ट ज्यादा ही अपने आपको दिखाने की कोशिश करते थे और अलीगढ़ मूवमेंट के अगेंस्ट रहा करते थे, इनका जो मेन कॉन्ट्रीब्यूशन ये कांग्रेस के साथ, कांग्रेस को सपोर्ट करते हुए, उनकी सारी विचारधाराओं में सपोर्ट देते हुए नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते थे। हालांकि आप ये बोल सकते हैं कि डायरेक्ट इनका नेशनलिस्ट मोटिव नहीं था, इनका जो डायरेक्ट मोटिव था वो मुस्लिम सुधारों को अपने तरीके से करवाना, ना कि अलीगढ़ मूवमेंट के जैसे, ये मेन था। ठीक है, तो आप कब स्थापना हुई, कहाँ का ये मूवमेंट है, क्या इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, इन चीजों को आपको 2 मार्क्स में लिखना। उसके अलावा आर्य समाज के शैक्षणिक सुधार को लेकर ये 2 क्वेश्चन पूछ दिया, सामाजिक और धार्मिक सुधार से 2 क्वेश्चन पूछ दिया। आर्य समाज के शैक्षणिक सुधार, दयानंद सरस्वती ने जो आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में, ये तीनों को तो आपको लेकर करना ही, ठीक है, उन्होंने जो आर्य समाज की स्थापना की थी तो उसके बाद उनका एक बाद में मोटिव रहा कि इंडिया में एजुकेशन रिफॉर्म्स हो, और उसके लिए उन्होंने बहुत सारे एंग्लो वैदिक स्कूल्स और कॉलेजेस स्थापित किए। उस एंग्लो वैदिक स्कूल और कॉलेज की खासियत ये रहा करती थी कि वहां पर वैदिक धर्म को रिवाइव किया गया, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आर्य समाज की जो स्पेशलिटी है वो है वेदों की ओर लौटने की का आग्रह, है ना, वो कहते हैं कि रिटर्न टू वेदास, गो बैक टू वेदास। तो वैदिक धर्मों को, वैदिक मूल्यों को पुनर्जीवित करते हुए वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को अपनाना, ये दोनों ही चीज का इंकल्केशन एंग्लो वैदिक जितने स्कूल और कॉलेज थे उसमें किया गया था। ठीक है, तो दयानंद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज डीएवी वगैरह का स्थापना हुई, जो भी आपने इसमें पढ़ा होगा उस चीज को आप कोई भी 2 मार्क्स में, कोई भी 2 फैक्ट्स को 2 मार्क्स में लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के जैसे लिखें ज्यादा बेहतर होगा। ठीक, मेरठ षड्यंत्र केस क्या था, व्हाट वाज द मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस। देखिए, ये भारत में वामपंथी विचारधारा से संबंधित एक केस था, 1929 से 1933 के बीच में ये मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था, जिसमें किसी रेलवे स्टेशन में हड़ताल करने की वजह से कुछ ट्रेड यूनियन की जो लीडर्स हैं उनको गिरफ्तार कर लिए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ठीक है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया था और ये संदेह जताया था कि इसकी आड़ में भारत में वामपंथी विचारधारा को शेय मिल रही है। तो जब आप इंडिया में कम्युनिस्ट मूवमेंट पढ़ते तो आपको वहां पर मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस मिलेगा, तो इसे का एक नोट जरूर बना करके रखिए, ये आगे भी पूछा जा सकता है। ठीक, तो याद रखिएगा ट्रेड यूनियन लीडर्स को, जिसमें कुछ इंग्लिश मैन भी शामिल थे, उनको इसमें गिरफ्तार किया गया था। ठीक, 1929 से 1933 के बीच में एक केस चला था जब कुछ लोगों ने रेलवे स्टेशन पर हड़ताल की थी वामपंथी विचारधारा के खिलाफ, ये अंग्रेजों का उठाया गया एक कदम था। ठीक है, उसके अलावा है व्हाई वाज द 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड। ये बहुत ही सिंपल सा एक्सपेक्टेड सा क्वेश्चन है, हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम तो जितने गांधी आंदोलन है उसको सबसे ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं। 1942 का जो क्विट इंडिया मूवमेंट था वो क्यों शुरू हुआ था, क्योंकि 1942 में जो क्रिप्स मिशन आया था उसके जो प्रस्ताव थे उससे हम काफी असंतुष्ट हुए, काफी ज्यादा रोष था भारत में, काफी ज्यादा गुस्सा था भारत में क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के अगेंस्ट, क्योंकि उसमें काफी सारी बातें हमें कही गई थी लेकिन उसके लिए शर्त रखी गई थी कि इंडिया जब तक के कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, इंडिया जब तक के ब्रिटिशर्स को ज्वाइन नहीं करेगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तब तक की वो चीजें नहीं दी जाएंगी। तो क्रिप्स मिशन का से जो असंतुष्टि थी वो एक मेजर कारण था, उसको आपको इसमें कोट करना ही है। ठीक है, तो ये हो गया 2017। उसके बाद आता है 2018 में नंबर ऑफ क्वेश्चन जो 2 मार्क्स थे वो बढ़ गए थे। पहला क्वेश्चन अगेन सिंधु घाटी से, तो अभी एक्सपेक्ट करके ट्रेंड देख रहे हो, लगातार 16, 17, 18 में इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहला क्वेश्चन उठाता है, फैक्चुअल क्वेश्चन उठाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल लोथल का महत्व बताइए, फैक्चुअल जितनी साइट्स है ना वो, उनकी खोज किसने की, कौन से नदी के किनारे पे बसे हुए हैं, ठीक है, उसके अलावा वहां से क्या एविडेंसेस मिले हैं, ये 3 चीजों को इंक्लूड करते हुए आप 30-30 वर्ड्स के लिए सारी साइट्स पर नोट्स बना कर रखें। हड़प्पा, मोहनजोदारो, कालीबंगान, लोथल, रंगपुर, धौलावीरा, इन सब पर 30-30 वर्ड्स बना कर रखिएगा कि कब खोज हुई, कौन से क्षेत्र में है, कौन से नदी के किनारे हैं और वहां से क्या क्या साक्ष्य मिले। ठीक, ये पूछे जाने के सबसे ज्यादा चांसेस। तो लोथल आप जानते हैं एक बंदरगाह शहर है जो कि गुजरात में, रंगनाथ राव ने इसकी खोज की थी,
जो भी अबाउट्स मैंने बताई लोथल के वो आप इसमें डाल दीजिए, ठीक है। तो लोथल की खोज रंगनाथ राव ने की थी, ठीक है, 1953 या 57 में की थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। रंगनाथ राव ने की थी, गुजरात में शहर है ये, एक बंदरगाह है, यहाँ से गोदीबाड़ा मिला, यहाँ से नाव मिली, यहाँ से डबल ब्यूरियल यानी कि मेल और फीमेल को एक साथ दफनाने का जो सिस्टम है उसके साक्ष्य मिले हैं। ये तीन चार चीजें आपने जो पढ़ी लोथल के बारे में उसको समेट कर दो वर्ड दो लाइन दो मार्क्स के हिसाब से लिख लीजिए, ठीक है। और ऐसे आप सारे साइड्स के 30-30 वर्ड्स बनाकर लीजिए। जैन और बौद्ध धर्म में दो समानता है, दो अंतर लिखिए। बड़ा सिंपल सी चार पॉइंट्स लिख रहे हैं, दो सिमिलैरिटीज दो अंतर, ये मैंने आपको पढ़ाया है। दो सिमिलैरिटीज क्या है, दोनों ही ईश्वर में यकीन नहीं करते, दोनों ही मूर्ति पूजा के खिलाफ है, दोनों ही अलौकिक है, ठीक है। मतलब दोनों इस वर्ल्ड में बिलीव करते हैं, मूर्ति पूजा के खिलाफ रहते हैं, दोनों ईश्वर पे यकीन नहीं करते। और अगर आपको लिखना है इनमें से कोई भी दो पॉइंट्स लिख दीजिए कि दोनों जो है वो पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं, ठीक। दो असमानताएं क्या है, जहां बौद्ध धर्म अनात्मवादी है, वो आत्मा के होने पर यकीन नहीं करता, वहीं जैन धर्म आत्मवादी है, ठीक। जहां बौद्ध धर्म काफी फ्लेक्सिबल काफी लीनियंट है, उसमें बहुत ज्यादा चीजों को त्यागने की शिक्षा नहीं दी जाती, मध्यम प्रतिपदा पर बिलीव करता है, तो वहीं जैन धर्म जो है काया क्लेश पर बिलीव करता है। उसका यह कहना है कि पुण्य कमाना या ईश्वर को प्राप्त करना या ज्ञान प्राप्ति के लिए आपको सांसारिक चीजों को त्यागना होगा, तो त्याग पर ज्यादा बल देता है जैन धर्म। जैन धर्म काफी कड़ा है, काफी स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन वाला, जबकि बौद्ध धर्म स्क्यूलर काफी लीनियंट है, काफी लचीला है, ठीक है। ब्रॉड माइंडेड नैरो माइंडेड तो आप नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ ये स्ट्रिक्ट है, ये लीनियंट है, आप ऐसा करके इसकी असमानता बता सकते हैं, ठीक है। वैदिक देवता वरुण का महत्व बताइए। ये देखो बौद्ध धर्म सिंधु घाटी सभ्यता सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड रहते हैं, उसके अलावा फिर वैदिक काल जो है उसे क्वेश्चन आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते, लेकिन कोई ना कोई फॉर्मेट में जरूर पूछेगा, 2 मार्क करने तो 4 मार्क करने तो 8 मार्क करने तो ऐसा करके। तो आपको बताया था मैंने कि ऋग्वेद वगैरह में 3 सबसे महत्वपूर्ण देवता थे, पहले थे इंद्र जिनको पुरंदर कहा जाता है, ठीक, दूसरे अग्नि और तीसरे वरुण, ठीक। करीब करीब 200 बार इनका जिक्र जो है ऋग्वेद में हुआ है। ही इज नोन एज द गॉड ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स, ठीक, इनको वाटर गॉड या एयर गॉड भी बोला जाता है। वरुण जो है वो जल के देवता है और मॉरल प्रिंसिपल्स के गॉड का मतलब ये है कि ये मानते थे उस वक्त के लोग कि वरुण देव जो हैं अगर कोई सिन करता है, अगर कोई गुनाह करता है तो और उस पर वो पछताता नहीं है तो उसको सजा देते हैं, और अगर कोई मान लीजिए पाप करके उस पर पछताता है तो उसको फॉरगिव भी करते हैं, उसको माफ भी करते हैं। तो उस चीज को मेंटेन करने के लिए जो देवता का उल्लेख ऋग्वेद में वो वरुण है, ठीक है। ये ऐसे जो भी फैक्ट्स आपको पता है, जो भी आपको उसके बारे में अबाउट्स पता है वो लिख दीजिए 2 मार्क्स में लेक्चर क्वेश्चन, ठीक। उसके अलावा जितने बाकी के देवता उन पर भी 30-30 वर्ड्स बना लीजिए। तुर्काने चहलगामी पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। अब ये दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, 2018 है, इसलिए ये तो पहले होता तो नहीं पूछता क्योंकि मिडिवल को ऐसे सच इंक्लूड नहीं किया गया था। तो तुर्काने चहलगामी आपको बताया था मैंने कि इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों का एक ग्रुप बनाया था जो कि एक मंत्री परिषद के रूप में इल्तुतमिश को सलाह दिया करता था, और इन लोग खास तौर पर इल्तुतमिश के राज में, दिल्ली सल्तनत के राज में जो अमीरों का विद्रोह होता था उसको कैसे हैंडल करना है इस पर अक्सर सलाह मशवरा दिया करते थे, और इन 40 सरदारों में से ही कोई अगला सुल्तान बनता था, ऐसा एक ट्रेंड बना हुआ था, ठीक। तुर्काने चहलगामी 40 गुलाम सरदारों का ग्रुप, जिसे बाद में बलबन ने डिसॉल्व कर दिया था क्योंकि उसका ये मानना था कि तुर्काने चहलगामी वाले जो सरदार हैं वही राजा के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, ठीक है। तो आपको मेन बताना बनाया किसने क्या था और इसे भंग किसने किया, ये 3 चीजों को आप इंक्लूड करिए, बाकी कहानी आप अपने हिसाब से शब्दों के हिसाब से लिख लीजिए, ठीक। तो ये हो गए 2018 के 4, और उसके बाद और क्वेश्चन है 2018 में 2 मार्क्स के। भारत में फ्रांसीसियों की असफलता के कोई 4 कारण का उल्लेख कीजिए। तो अगर आपने मेरे मेंस का लेक्चर देखा होगा तो मैंने अलग से ये क्वेश्चन को डील भी किया है कि फ्रांसीसी जो अंग्रेजों से बाद में भारत में आए थे 1664 में, उन्होंने किस तरह से दक्षिण भारत में कब्जा किया, फिर उसके बाद किस तरह से अंग्रेजों और उनके बीच में वॉर्स हुए, एंग्लो कर्नाटक वॉर्स हुई,
और उसके बाद किस तरह से फ्रांसीसी पावर भारत में कम होता रहा, अंग्रेजी पावर बढ़ता रहा, इसको बहुत डिटेल में बताया, इसलिए मैं अभी शॉर्ट में नहीं बता सकती हूँ। आप मेरा मेंस का वीडियो देखिएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा। ठीक, तो आप उसमें देखेंगे, उस वीडियो में मैंने बताया कि फ्रांसीसियों के यहाँ पे जो पावर कम हुआ है उसके कारण क्या थे। अब कोई चार कारण बोला तो स्पेसिफाई कर दिया कि चार ही लिखना है, आप यहाँ पे दो लिखकर कोई भूमिका बांधकर खत्म नहीं कर सकते। ठीक है, तो बेहतर है पांच छह पॉइंट्स आप इसमें बना लें। दूसरा क्वेश्चन दीन-ए-इलाही के ऊपर से क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि 2018 है तो मिडिवल से मुगल से क्वेश्चन उठाया, एक दिल्ली सल्तनत से उठाया, एक मुगल से उठाया। तो दीन-ए-इलाही के बारे में बताया था मैंने, 1582 में अकबर ने दीन-ए-इलाही की शुरुआत की थी, जो एक नया धर्म था जो कि डिवाइन मोनोथिज्म यानी एकेश्वरवाद पर आधारित था। बस वो जो एक्सप्लेनेशन है वहां से आप देखेंगे, उसी के ऊपर ही आपको आंसर लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगेन धार्मिक सुधार आंदोलन से है ये, सूफीवाद से क्वेश्चन है, चिश्ती संप्रदाय के चार संतों के नाम लिखिए। तो हमने जब सूफीवाद पढ़ा तो उसमें हमने बहुत सारे संप्रदाय पढ़े थे जिसको हमने सिलसिले बोले थे, तो उसमें से सबसे फेमस सबसे पुराना चिश्ती सिलसिला है, उसके लेक्चर में मैंने आपको सारे चिश्ती संतों के नाम बताए थे, उसमें से कोई भी चार नाम लिख दीजिए, जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम लिख दीजिए, निजामुद्दीन औलिया का नाम आप लिख सकते हैं, बाबा फरीद शकरगंज का नाम या गंजी शकर का नाम लिख सकते हैं, बंदा नवाज का नाम आप लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे कोई भी चार नाम लिखना है आपको, वो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स में या मेरे को रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट जो वाले पार्ट था, भक्ति आंदोलन जो था, भक्ति आंदोलन में जितने भक्ति संत हैं और सूफी संत हैं उनके नाम याद करने, सीधा सीधा पूछ सकते हैं। ठीक, उसके अलावा मराठों के अभ्युदय के चार कारण, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पिछले साल भी आया था। ठीक, और ये और भी आ सकता है, इवन डिटेल में आ सकता है ज्यादा मार्क्स के लिए। ठीक, तो ये हो गया 2018। अब आ जाते हैं हम अगले फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चंस में, चार मार्क्स 60 वर्ड्स। अब देखिए मैं क्योंकि शॉर्ट में बता रही हूँ इसलिए जो भूमिका है वो यहीं पे बता देती हूँ, चार मार्क्स हैं, 60 वर्ड्स हैं, छह सात लाइनें रहती हैं आपकी, तो आप अगर पैराग्राफ में लिखते हैं तो दो पैराग्राफ में 30-30 शब्द की लिखने की कोशिश करें, लेकिन बेहतर यहाँ पर भी है कि आप पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करें, जितना ज्यादा फैक्चुअल दिखेगा, जितना ज्यादा आपके पॉइंट्स हाईलाइटेड दिखेंगे उतना ज्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस हैं, चाहे वो दो मार्क्स का हो चाहे वो 15 मार्क्स का ही क्वेश्चन क्यों ना हो। आप क्लासिफिकेशन वर्गीकरण करिए, सब हेडिंग्स डालिए, पॉइंट्स बनाइए, फ्लो चार्ट्स बनाइए, इस तरह से अगर आप प्रेजेंटेशन पर ध्यान देंगे तो मार्क्स ज्यादा हासिल कर सकते हैं। पूरी तरह से आप सोचेंगे कि हम पैराग्राफ में लिखें तो जरूरी नहीं कि एग्जामिनर आपका पूरा पूरा पैराग्राफ जो है उसे पढ़े। ठीक है, तो क्योंकि 6-7 लाइनें रहती हैं तो दो पैराग्राफ में आप लिख सकते हैं, इसको ब्रेक करिए, पूरा A to Z एक पैराग्राफ में लिखने का अवॉइड करें और जितना हो सकता है पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करिए, अगर पैराग्राफ अवॉइड किया जा सकता है तो बेहतर है। ठीक है, तो सबसे पहले 2016 की अगर हम बात करें तो स्थायी बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा है। आप सभी जानते हैं कि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में भूमि कर यानी लैंड रेवेन्यू संबंधित एक योजना लाई थी जिसका नाम है स्थायी बंदोबस्त, मतलब कि परमानेंट सेटलमेंट। ठीक, तो आपको किसने लाया ये बताना है, कब आई ये बताना है, किसे संबंधित योजना थी लैंड रेवेन्यू ये बताना है, इसके तहत क्या सिस्टम था, क्योंकि इसी के साथ रैयतवाड़ी महलवाड़ी सिस्टम भी है, वो भी क्वेश्चन आए होंगे आगे, तो इन सबको मैंने एक मेंस का एक अलग से लेक्चर बनाया था जिसमें मैंने रैयतवाड़ी महलवाड़ी और परमानेंट सेटलमेंट को कंपेयर करके बताया था कि तीनों में क्या फर्क है, कब आए तीनों, किस प्रांत में लागू हुए। ठीक, और तीनों के सिस्टम में डिफरेंस क्या था, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं इसको बता देती हूँ, परमानेंट सेटलमेंट में ऐसा था कि जमींदारी सिस्टम को एक रिकग्निशन मिला था, जमींदारों को बोल दिया गया था कि आप अपने हिसाब से लैंड रेवेन्यू फिक्स कर सकते हैं लेकिन एक पर्टिकुलर अमाउंट साल के अंत में अंग्रेजों को पहुंचाना होगा। ठीक, इसमें 10/11 1/11 का रेशियो था कि 1/11 जो रेवेन्यू है वो जमींदार खुद रख सकता है, 10/11 ब्रिटिशर्स को देना होगा। ठीक है, तो जमींदारी व्यवस्था से संबंधित ही परमानेंट सेटलमेंट था। ये आपको चार मार्क्स में लिखना है, तो चार फैक्ट्स तो आने चाहिए और थोड़ी सी लाइनों के साथ आपको इन चार फैक्ट को सजाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसी महलवाड़ी और ऐसे ही रैयतवाड़ी सिस्टम के लिए भी आप 60-60 वर्ड्स प्रिपेयर करके रखिए। ठीक, सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संबंधों का वर्णन कीजिए। तो जब हम प्लासी का युद्ध पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि सिराजुद्दौला के आने से पहले 1756 में नवाब बने उसके पहले से ही अंग्रेज जो है बंगाल के नवाबों की आंखों में किरकिरी बने हुए थे। उसकी बड़ी वजह थी वो दस्तक जो फरूख शेर के समय अंग्रेजों को मिला था, उस दस्तक के लिहाज से ऐसा था कि अंग्रेजों को टैक्स फ्री ट्रेड करना
करने की इजाजत मिल गई थी बंगाल वाले प्रांत में, जिसकी वजह से रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा था बंगाल के नवाबों के लिए। तो तब से एक खलिश थी दोनों के बीच में, और नवाब बनने के बाद ये चीज और बढ़ गई। ठीक है, अंग्रेज उस दस्तक का गलत फायदा भी उठाने लगे, उस फरमान का गलत फायदा भी उठाने लगे, और वो इलीगल ट्रेड भी करने लगे। तो वो एक रीजन को आप रेस करिएगा। उसके अलावा प्लासी के युद्ध का बैकग्राउंड मैंने कुछ कुछ आपको बताया था, मैं रिपीट नहीं करूंगी कि प्लासी के युद्ध में पहले सिराजुद्दौला ने किस तरह से वहां पे जो फोर्ट है उस पर कब्जा किया, ठीक है, फिर अंग्रेजों की क्या कार्रवाई हुई, ये सारी चीजें जो मैंने प्लासी के युद्ध की भूमिका में बताई थी, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के पहले से जो संबंध थे वो अच्छे नहीं थे, वही मैंने भूमिका में बताई थी, उसी चीज को यहाँ पे लिखने के लिए बोला। ठीक, अगले क्वेश्चन में गुप्त मंदिर स्थापत्य की विशेषताएं उदाहरण सहित लिखिए। अब सीधी सी बात है, गुप्त एरा का मतलब नागर शैली के मंदिर। ठीक, तो चाहे आप कला संस्कृति में देखें चाहे आप इतिहास में देखें, तो जो नागर शैली के मंदिरों की विशेषताएं होती हैं उसी को यहाँ पर लिखना है। पहली बार मंदिर निर्माण जो है गुप्त काल में ही प्रारंभ किया गया था, और वो नागर शैली के मंदिर थे। नागर शैली के बाद फिर आपके बेसर शैली से लेकर के जो दूसरी शैलियां हैं वो अस्तित्व में आई थी। तो आप आर्ट एंड कल्चर वाले लेक्चर से भी उसको देख सकते हैं, आप यहाँ से भी इसको देख सकते हैं। गुप्त एरा का मैंने अलग से आपको नागर शैली के मंदिरों की विशेषताएं बताई थी, आप पॉइंट्स में इसकी विशेषताएं लिख सकते हैं। मंडप कैसा होता है, ठीक है, मंदिरों का जो शिखर होता है वो कैसा होता है, उस नागर शैली के मंदिर को उल्लेख करना बस। ठीक, मध्यकालीन भारत में सूफीवाद के योगदान पर प्रकाश डाली। भक्ति आंदोलन से अगेन क्वेश्चन पूछा गया है। भक्ति आंदोलन में एक तो सूफी संतों के नाम पूछ लिया और सूफीवाद का असर क्या हुआ ये क्वेश्चन भी इसमें पूछ लिया। वो 2 मार्क्स में पूछा था, ये 6 ये आपका 4 मार्क्स में पूछा। ठीक, तो सूफीवाद को जब मैंने संत तक पढ़ाया उसके पहले मैंने पूरी एक भूमिका बताई थी कि सूफीवाद अरेबिक वर्ड शफाक से बना हुआ है, जिसका मतलब सफेद या ऊन के कपड़े, और ये सूफी संत ऊन के कपड़े शिवाद में पहना करते थे। ये इस्लामिक मिस्टिसिज्म की एक शाखा है, मतलब कि एक रहस्यमयी इस्लाम की एक शाखा होती है। ठीक, जो शरीयत से ज्यादा तरीकत पर बिलीव किया करते, ये थोड़ी सी भूमिका आप बांधिए एक पैराग्राफ में, और भारत में सूफी संतों के कॉन्ट्रीब्यूशन को बताइए कि मेन जो उनका एलिमेंट था सूफीवाद का वो था हिंदू मुस्लिम यूनिटी। मैंने सूफीवाद की कुछ बातें कही थी कि भक्ति आंदोलन और सूफीवाद में काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं। सूफीवाद का मेन कंट्रीब्यूशन इंडिया की सोसाइटी को यह है कि इन्होंने स्टॉन्च मुस्लिम पॉलिसी को हटा करके हिंदू मुस्लिम भाईचारे पर बल दिया, मानवता पर बल दिया, मानव सेवा पर बल दिया। ठीक है, रूढ़ीवाद से हटकर, रीति रिवाज रस्मों से हटकर, ईश्वर के प्रति भक्ति, ईश्वर के प्रति प्रेम, ईश्वर के प्रति आस्था को एक होता ना कि प्योर फॉर्म में अभिव्यक्त करने की बात कही थी। तो जिससे जो है जो रस्म और रिवाज ऑर्थोडॉक्स सुपरस्टिशंस हैं वो काफी समाज में कम है। तो मुस्लिम जो समाज है उनके रिफॉर्म्स के लिए काफी इनका योगदान रहा है, जहां पे ये ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सिर्फ डिवोशन यानी कि भक्ति का सहारा लेने के लिए कहते हैं, ना कि रीति रिवाज या रूढ़ीवाद। ठीक, और हिंदू मुस्लिम भाईचारे पर इन्होंने भी बल दिया था, जिस वजह से उस वक्त अगर आप देखेंगे सूफीवाद के आने के बाद इंडिया में भक्ति और सूफी मूवमेंट की वजह से हिंदू मुस्लिम यूनिटी काफी देखने को मिली। तो मैं यहाँ पे एक शॉर्ट में बता रही हूँ, पर आप जब सूफीवाद लेक्चर में देखेंगे तो मैं उसमें बताई हूँ सारे पॉइंट्स कि सूफीवाद के क्या क्या विचारधारा थी जो इंडिया की सोसाइटी को उनका कॉन्ट्रीब्यूशन था। ठीक, ये हो गया 2016। फिर आता है 2016 में ही जो मॉडर्न वाला पार्ट था वहां से, व्हाट इज द थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ, ये भी 60 वर्ड्स 4 मार्क्स के लिए पूछा है, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है। तो आप सभी जानते हैं कि दादाभाई नौरोजी ने अपनी बुक पावर्टी इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन के निष्कासन का सिद्धांत बताया, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत में अंग्रेज जितना भी धन जनरेट कर रहे हैं वो भारत में इन्वेस्ट नहीं हो रहा है, भारतीयों को इससे हानि हो रही है, और पूरा धन जो है वो निष्कासित हो जा रहा है, ड्रेन हो जा रहा है ब्रिटेन में। ठीक है, तो उस किताब का आप नाम लिखें, दादाभाई नौरोजी का आप नाम लिखें, और सिद्धांत क्या था ये लिखें। ठीक है, इसी का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आप उल्लेख कर दीजिए, और सेकेंड जो पैराग्राफ है उसमें उसका डिटेल होगा। ठीक, कामागाटा मारू जहाज की वीरतापूर्ण घटना का उल्लेख कीजिए। मॉडर्न हिस्ट्री से डायरेक्ट जितने इंसिडेंट्स हुए थे ना, जैसे कि रॉयल इंडियन नेवी का जो विद्रोह था, कामागाटा मारू वाला जो इंसिडेंट है, लाल किला मुकदमा, ये जो आप ऑब्जेक्टिव्स के लिए पढ़ते हैं ना, उसी चीज को हमें फ्रेम करके लिखना है। कब हुआ, कहाँ हुआ, कौन लीडर्स थे, क्या घटनाक्रम था,
कब हुआ, कहाँ हुआ, कौन लीडर्स थे, क्या घटनाक्रम था, ये चार चीजों को सम्मिलित करके आपको आंसर्स बनाना। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि कामागाटा मारो एक जापानीज शिप थी जिसमें कुछ करीब 350 भारतीय जो है वो कैनेडा की बंदरगाह वैंकूवर जा रहे थे, लेकिन कैनेडा में कुछ ऐसे रूल्स बने थे जिससे उन लोगों को आप एंट्री नहीं मिली। इस वजह से शिप को कलकत्ता के बजबज जो पोर्ट है वहां पर लैंड किया गया और वहां पर यात्रियों और ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर के बीच में कुछ झड़प हुई जिससे कुछ भारतीय यात्री मारे गए थे और इसी के वजह से ये सारी चीजें, मतलब ये जो इंसिडेंट मैंने आपको बताया यही है कामागाटा मारू प्रकरण। तो ईयर लिखिए, इंसिडेंट लिखिए और इसके जो मेन लीडर्स है उसका नाम लिख दीजिए। ठीक है, तो ऐसे आप जितने मॉडर्न हिस्ट्री के मेन इंसिडेंट्स है ना, खासतौर पर गांधी नेहरा के बाद जितने भी हुए उनके 60 वर्ड्स तैयार करके रखेंगे। उसके बाद काकोरी कॉन्स्पिरेसी, इसमें भी 60 वर्ड्स पूछा है। तो 9 अगस्त 1925 को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के जिन जिन सदस्यों का नाम बताया था मैंने, उन सभी सदस्यों ने मिलकर काकोरी लखनऊ के पास 10 डाउनिंग 8 डाउन ट्रेन नाम की ट्रेन पर लूट की थी जिसे काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस कहा जाता है, जिसके बाद सभी गिरफ्तार हुए थे। फिर कुछ को फांसी हुई थी, किनको उनको फांसी हुई थी उनके नाम जरूर लिखे गए, चारों को फांसी हुई थी मैंने बताया था, कुछ लोगों को आजीवन कारावास मिला था, वही वाले केस को 60 वर्ड में आपको डिस्क्राइब करना। ठीक है, मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस की 16 मई 1946 की कैबिनेट मिशन योजना पर क्या प्रतिक्रियाएं थी। तो देखो 1946 में जो कैबिनेट मिशन योजना आई थी उसमें कई सारे ऐसे प्रावधान थे जो कांग्रेस की डिमांड के हिसाब से थे, तो कांग्रेस ने इसे मान लिया था, लेकिन क्योंकि उसमें पाकिस्तान की विभाजन की कोई बात नहीं की गई थी, क्या मैं कहूँ इंडिया के विभाजन की कोई बात नहीं की थी, पृथक देश पाकिस्तान की बात नहीं की गई थी, इसलिए मुस्लिम लीग को इस पर आपत्ति थी। तो ये विभाजन वाले पॉइंट को हाईलाइट करते हुए आपको बताना है कि मुस्लिम लीग उतने फेवर में थी, इनिशियली वो मान गई लेकिन फिर बाद में उसने डायरेक्ट एक्शन डे बना करके अपनी मांगों को सीधा अलग से रखा था। तो कांग्रेस फेवर, इनिशियली दोनों फेवर में थे, पहले फिर उसके बाद ऐसा हो कि कांग्रेस जो है उसने एक्सेप्ट कर लिया, तभी अंतरिम सरकार भी बनाई गई, लेकिन मुस्लिम लीग जो है उसने इसको विभाजन की बात नहीं थी इसने इस वजह से एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक, तो ये बातें इसमें आपको लिखना है। उसके बाद आ जाता है ये 2016 और 17 के हो गए क्वेश्चन, उसके बाद 2018 के जो आपके 4 मार्कर क्वेश्चन है। विजयनगर साम्राज्य में नारियों की स्थिति पर वर्णन कीजिए। तो देखिए मैंने आपको जो लेक्चर्स पढ़ाए हैं उसमें मिडिवल इंडियन हिस्ट्री में और एंशियंट में ऐसा है कि एक सेक्शन मैंने राजाओं के बारे में बताया और एक सेक्शन जो है वहाँ की सोसाइटी एडमिनिस्ट्रेशन आर्ट एंड कल्चर के बारे में बताया। जैसे मुगल हो गया, दिल्ली सल्तनत हो गया, विजयनगर अम्पायर हो गया, इसमें राजाओं के अबाउट्स के साथ साथ वहाँ की सोसाइटी, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ का कल्चर, वहाँ का आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इसके ऊपर भी चीजें बताई। वहां से क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, मुगल से पूछ सकता है, दिल्ली से पूछ सकता है, एंशियंट में मौर्यों से पूछ सकता है और गुप्तों से पूछ सकता है। ठीक है, तो उस सेक्शन को आप 60 वर्ड्स के लिए प्रिपेयर करके रखिए। कृषि के वाणिज्यीकरण से आप क्या समझते हैं, स्पेसिफिकली एक पूरा अलग से व्हाइट बोर्ड का लेक्चर है मेरा जिसमें कृषि के वाणिज्यीकरण जो आधुनिक भारत में अंग्रेजों ने किया था उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं कि क्या अच्छा हुआ उसे, क्या बुरा हुआ, किस तरह से किसान विवश हो गए थे वाणिज्यिक फसलों को उगाने के लिए, वाणिज्यीकरण का क्या मतलब है, पहले सिर्फ ऐसी फसलें उगाई जाती थी जो यहाँ के कंजम्पशन के लिए होती थी, फिर कृषि के वाणिज्यीकरण के लिए कहीं ना कहीं माहौल बनाया अंग्रेजों ने जिसे वाणिज्यिक फसलों का यहाँ पर कल्टीवेशन होने लगा, इससे कुछ किसानों को फायदा हुआ तो कुछ किसानों को नुकसान हुआ। अब मैं डिटेल में नहीं जाऊँगी, आप वाणिज्यीकरण वाला लेक्चर देखिएगा, उसको डिस्क्राइब करने की बात कही गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भारत विभाजन को स्वीकार करने के 4 कारण लिखिए। अब देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस से तो कई तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, एक बार अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो 1885 से लेकर 1947 की हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किन रीजन से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टीशन को एक्सेप्ट किया था, तो भाई ऐसा था कि 1933 से जो मुस्लिम कम्युनलिज्म की वेव इंडिया में थी उसको शांत करने में कांग्रेस असमर्थ रही थी। 1940 में पाकिस्तान की मांग के बाद तो ये और इम्पॉसिबल हो गया था कांग्रेस के लिए। 1947 की कंडीशन ऐसी थी कि किसी भी तरह से पावर ट्रांसफर करवाना चाहती थी कांग्रेस और मुस्लिम लीग की आपत्ति की वजह से पावर ट्रांसफर हो नहीं पा रहा था, तो इस वजह से कांग्रेस ने कहा कि पहले पावर ट्रांसफर तो हो जाए। प्रिंसली स्टेट्स जो स्टैंड आउट करना चाहते थे वो बड़ा खतरा लग रहे थे कांग्रेस को, इसलिए पाकिस्तान से ज्यादा वो प्रिंसली स्टेट्स के लिए उसकी चिंताएं थी। तो जो भी ये कहते हैं ना कि एक काफी कोशिशों के बाद भी मुस्लिम्स को मेन स्ट्रीम नेशनलिज्म में शामिल नहीं कर पाई कांग्रेस, मुस्लिम लीग अड़ा हुआ था, पावर ट्रांसफर करवाना था, प्रिंसली स्टेट्स के लिए भी एक मध्यम रास्ता लाया गया था पार्टीशन के डॉक्यूमेंट में, इस वजह से कांग्रेस ने हामी भर दी थी।
ठीक है, तो आप ये सारी चीजें इसमें लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब रिंग फेंस पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी टुवर्ड्स द इंडियन स्टेट्स। देखिए रिंग फेंस पॉलिसी, दूसरा आता है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तीसरा सब्सिडियरी अलायंस। देखिए रिंग फेंस की नीति, सहायक संधि और हड़प नीति, यानी सब्सिडियरी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये तीनों ही मैंने भारत में ब्रिटिश एक्सपेंशन वाला जो लेक्चर था उसमें बताया था, वॉरेन हेस्टिंग्स, उसके अलावा विलिस ली और डलहौजी, की तीनों नीतियों के ऊपर आप 60-60 वर्ड्स प्रिपेयर करके रख ही लीजिए। ये तीनों ही ऐसी नीतियां थी जिसमें बिना खून बहाए अपनी नीतियों के तहत ये भारत के राज्य, भारत में जो प्रोविंसेस थे, जो प्रिंसिपल स्टेट्स थे, उनको वो अपने फेवर में करना चाहते थे या उन पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रशासन करना चाहते थे। ठीक है, तो ये तीनों पर क्वेश्चन बनेंगे। उसके अलावा महलवाड़ी, जैसे आपको बताया था ना परमानेंट सेटलमेंट, वैसे महलवाड़ी पे और रैयतवाड़ी पे दोनों पे 63 वर्ड्स एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो ये भी आपका एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम। उसके बाद यहां खत्म हो गए आपके जो 4 मार्कर क्वेश्चंस थे, अब आते हैं 8 मार्कर क्वेश्चंस में। तो अब 8 मार्कर क्वेश्चंस की भी जो संख्या है वो पहले एक एक क्वेश्चंस आते थे, अब नहीं। तो इसमें आपको देखिए 100 वर्ड्स लिखने रहते हैं, तो अगर आप इसे पैराग्राफ में लिख रहे हैं तो दो पैराग्राफ 50-50 वर्ड्स के ना लिखकर 40-40 वर्ड्स के दो पैराग्राफ लिखिए, और 20 वर्ड्स में या तो आप इंट्रोडक्शन लिख दीजिए या तो कंक्लूजन लिख दीजिए। ठीक है, 40-40 वर्ड्स के दो पैराग्राफ, फिर 20 वर्ड्स में या तो इंट्रोडक्शन या तो कंक्लूजन, या एक होता है ना 10-10 वर्ड्स में एक एक लाइन में इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, 40-40 वर्ड्स के दो पैराग्राफ, पैराग्राफ में बांटकर लिखें। इसमें भी मैं कहूंगी कि अगर आप वर्गीकरण कर सकते हैं, वेन डायग्राम बना सकते हैं, फ्लो चार्ट बना सकते हैं, पॉइंट्स में लिख सकते हैं, सब हेडिंग्स डाल सकते हैं, तो इसमें भी वो प्रेजेंटेशन ज्यादा बेहतर मार्क आप लेकर देगा इंस्टेड ऑफ पैराग्राफ राइटिंग। ठीक है, तो 2016 में देखिए दो क्वेश्चंस, 2016 के जो दो क्वेश्चन है सेक्शन 1 सेक्शन 2 से एक साथ मैंने डाले। डिस्क्राइब द लिटरेरी सोर्सेस ऑफ वैदिक पीरियड, वैदिक काल से क्वेश्चन पूछा है, वैदिक साहित्य के बारे में पूछा है। ठीक, तो ये जो है डिस्क्राइब करने बोला है, मतलब जितने वैदिक ग्रंथ थे उनके बारे में आपको 4-4 लाइनें लिखनी होंगी। ठीक, तो जाहिर सी बात है पॉइंट्स वाला ही क्वेश्चन है, पॉइंट्स और उसका डिस्क्रिप्शन, या मैं कहूँ सब हेडिंग्स और उसका डिस्क्रिप्शन। आप थोड़ी सी भूमिका बांध सकते हैं इसमें कि वैदिक काल जो है भारत में ऐतिहासिक काल की शुरुआत का काल है, सबसे पहला काल है जिसे वैदिक काल कहा जाता है चारों वेदों के संकलन के कारण। इस समय प्राचीन हिंदू धर्म की काफी प्रारंभिक किताबें लिखी गई, जैसे कि ठीक है, तो थोड़ी सी भूमिका बांध लीजिए और उसके बाद आप सारे वैदिक ग्रंथों के बारे में बता दीजिए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, मेनली ये बताता है। ठीक, उसके अलावा जो ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, उसके अलावा जो बाद में आप रामायण महाभारत के बारे में बताते हैं, उन चीजों को आप एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिए। पहले तो आप चारों वेदों के बारे में बताइए, वो एक्चुअली लिटरेरी सोर्सेज में चारों वेदों को पूछ रहा है, तो चारों वेदों के बारे में जो आप पढ़ते हैं कि ऋग्वेद किस पर आधारित है, सामवेद किस पर आधारित है, चारों को पढ़ने वालों को क्या बोला जाता है, उनके ब्राह्मण ग्रंथों के नाम क्या है, तो चारों वेदों को डिस्क्राइब करने बोला ये मेनली। और एक जो लास्ट का कंक्लूडिंग पैराग्राफ है उसमें जो दूसरे लिटरेरी सोर्सेज है वैदिक साहित्य के, ब्राह्मण है, आरण्यक है, उपनिषद है, पुराण है, उनका भी उल्लेख आप कर दीजिए, कोई चार आप डिस्क्राइब कर लीजिए और बाकियों के नाम लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद है अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन में रेलवे निर्माण के सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभावों पर प्रकाश डालिए। आपके सिलेबस में अलग से ये वाला पार्ट ऐड किया है ना मॉडर्न हिस्ट्री में, ब्रिटिश डेवलपमेंट्स इन इंडिया जो भी हुए कृषि के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, और उनकी इंडिया में रिएक्शन है, इसका एक अलग से लेक्चर मैंने बनाया है, वहीं पर आपको कृषि का वाणिज्यकरण में मिलेगा, वहीं पर आपको लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज भी मिलेंगी उस लेक्चर में, उसमें इस चीज को भी मैंने बताया है कि भारत में रेलवे का इन्होंने विकास अपने मतलब के लिए किया था, ताकि ये एक इंडस्ट्री से दूसरे इंडस्ट्री, एक फैक्ट्री से दूसरे फैक्ट्री तक के रेलवे ट्रांसपोर्ट के जरिए गुड्स को, या जो गुड्स हैं, जो सामान है, उसको लाए ले जा सकते हैं। ठीक, लेकिन लॉन्ग रन में रेलवे की कंस्ट्रक्शन का बेनिफिट हमको ही मिला। 16 अप्रैल 1853 में डलहौजी के समय में जो पहली ट्रेन चली थी, उसके बाद से लॉर्ड कर्जन के समय में सबसे ज्यादा रेल लाइन बिछाई गई, तो इस तरह से इंडिया को आप कह सकते हैं एक देन है अंग्रेजों की रेलवे, तो पॉजिटिव तो ज्यादा है। लेकिन जो बोल रहे ना पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव तो आप बता ही देंगे, बहुत सारे नेगेटिव चीजें जो है कहीं ना कहीं अंग्रेजों की सत्ता को मजबूत करने में, अंग्रेजों का जो वाणिज्य करण, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन भारत में हुआ, भारत से जो ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा था, भारत में यहाँ की जो लोकल मार्केट जो है वो पूरी तरह से डाउन हो रही थी, भारत में जो हैंडीक्राफ्ट पूरी तरह से रप्चर हो रहा था, उसमें एक बड़ी भूमिका रेलवे की रही, क्योंकि अंग्रेजी जो व्यापार है यहाँ पे बहुत फला फूला, अंग्रेजी इंडस्ट्रीज बहुत फली फूली, वो भी रेलवे की वजह से। तो रेलवे एक साधन हो गई एक तरह से इंडिया में पूरी तरह से इकोनॉमिक सेंटर्स को जोड़ने का, जिससे अंग्रेजी अर्थव्यवस्था यहाँ पे सुदृढ़ हुई और भारतीय अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई। तो इस तरह से आप इस पॉइंट को लिख सकते हैं।
ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ मॉडरेट पॉलिटिक्स। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, जब आप भारत में राष्ट्रीय आंदोलन या नेशनल मूवमेंट पढ़ते हैं तो मैंने आपको तीन विचारधाराएं बताई थी, पहला मॉडरेट, दूसरा एक्सट्रीम, तीसरा गांधी, और तीनों में मैंने बहुत साफ लफ्जों में डिफरेंस बताया था। आपको इसके वीडियो लेक्चर्स में मिल जाएंगे, यूट्यूब में मिलेगा और आपके कोर्स में भी ये चीज लिखी गई कि तीनों में क्या है। मॉडरेट पॉलिटिक्स जो है, कार्य प्रणाली जो इसकी होती थी, ये पीपीपी मॉडल पर वर्क करते थे, मतलब कि प्रेयर, पिटीशन एंड प्रोटेस्ट। ठीक, इनको अंग्रेजी सत्ता पर पूर्ण विश्वास था, उनकी जुडिशियल जो सिस्टम है उस पर पूरा विश्वास था, और ये पूरी तरह से पैसिफिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से कार्य करने पर बिलीव करते थे। इनका ये कहना था कि अगर अपनी मांगों को सही तरीके से अंग्रेजों के सामने हम रखेंगे तो हमारी बातें मान लेंगे। ठीक, आपको विचारधारा को एक्सप्लेन करना, एक्चुअली जो इसमें 100 वर्ड्स में विचारधारा को पूरी तरह से एक्सप्लेन करना है कुछ एग्जाम्पल देके, और मेन मॉडरेट लीडर्स का आप उल्लेख करें, और मॉडरेट पॉलिटिक्स से हमको क्या क्या अचीव हुआ, ये किस हद तक सफल हुए, उन कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बताएं। तो आप विचारधारा को एक्सप्लेन करिए, मेन लीडर्स का नाम लिखिए, विचारधारा के एक्सप्लेनेशन में कुछ एग्जाम्पल जरूर लीजिएगा, फिर लीडर्स के नाम लिखिए, और मॉडरेट पॉलिटिक्स के परिणाम क्या हुए, अच्छे और बुरे दोनों चीज लिख दीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में वामपंथी आंदोलन के इतिहास पर प्रकाश डालिए। ये भी मॉडर्न हिस्ट्री में वामपंथी विचारधारा, जो मैंने कहा था ना अभी थोड़ी देर पहले, मैंने ट्रेड यूनियन के टाइम पे या मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस के टाइम में बताया था, वामपंथी विचारधारा का एक अलग से मैंने पार्ट डील किया है, उसे आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, 2018 में जो 8 मार्कर क्वेश्चन आया है, शिवाजी के अष्ट प्रधान मंडल के सदस्यों के पदनाम एवं उनके दायित्व का उल्लेख कीजिए। शिवाजी के अष्ट प्रधान हमेशा से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है, आप पीएससी का इतिहास खंगालिए, कभी 2 मार्क्स में, कभी 4 मार्क्स में, कभी 8 मार्क्स में, आपको कभी फैक्चुअल तरीके से, कभी एक्सप्लेनेटरी तरीके से पूछा ही है, हालांकि ज्यादातर ही फैक्चुअल पूछा है, कभी पूछा कि अष्ट ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो ये अष्ट दिग्गज, अष्ट प्रधान, नवरत्न, ये हमेशा से क्वेश्चन फेवरेट रहा, खासकर अष्ट प्रधान काफी पूछा है। ठीक, तो 8 महत्वपूर्ण मंत्रियों का जो मंत्रिमंडल शिवाजी के प्रशासन में था, उनके नाम और उनके कार्य क्षेत्र को तो आपको लिखना ही है, खासतौर पर क्योंकि ये 100 शब्दों में पूछा है, तो आपको नाम और वो लिखेंगे तो उसमें मैक्सिमम मार्क्स तो आपको मिल जाएंगे। जैसे 8 मार्कर क्वेश्चन है ये, तो अभी मान के चलिए अगर आप पूरे 8ों के नाम सही से लिख देते हैं, और कौन से मंत्री थे, वो किस विषय वस्तु को डील करते थे, किस कार्य को डील करते थे, वो लिख देंगे तो 8 में से 5 तो आपको मिल ही जाएंगे उसमें, अगर पूरा अच्छे से लिखते, 5.5 तक मिल सकता है, एग्जामिनर पर डिपेंड करता है, उसे अगर वही बस चाहिए तो वो आपको पूरे 7, 7.5 भी दे सकता है। ठीक, लेकिन क्योंकि ये बड़ा मार्क्स का क्वेश्चन है, इसलिए आप थोड़ी सी भूमिका भी जरूर बांधेंगे इसमें, खासतौर पर जो पेशवा है या जो दूसरे 1-2 इंपॉर्टेंट अष्ट प्रधान के मंत्री हैं, उनके रोल को थोड़ा सा विस्तार से बताएं, उनके महत्व को विस्तार से बता दीजिए, तब पूरे 8 मार्क्स का क्वेश्चन ही सज सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मूर्ति पूजा एवं बाह्य आडंबरों के संबंध में संत कबीर दास के विचारों पर प्रकाश डालिए। भक्ति आंदोलन में जितने भक्ति संत हैं और सूफी आंदोलन में जितने सूफी संत हैं, उनके नाम तो याद करने ही हैं, साथ ही भक्ति आंदोलन, खासतौर भक्ति आंदोलन के जितने आपके सगुण निर्गुण भक्ति के संत हैं, निर्गुण भक्ति के भी संत ज्यादातर पूछता है, उनकी थोड़ी सी डिटेल आप जरूर पढ़ लेंगे। ये क्वेश्चन मैंने आपकी मेंस के लेक्चर में अलग से मेंस के क्वेश्चन में डील किया है। ठीक है, कि कबीर के बारे में बताइए कि निर्गुण भक्ति शाखा की ये एक भक्ति आंदोलन के संत थे, इन्होंने क्या क्या, इनकी रचनाएं थी, इनकी जो दोहे थे, इनकी मान्यता क्या थी। ठीक, ये सारी चीजों को आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो इसके तहत कबीर को बताने के तहत आपको थोड़ा सा निर्गुण भक्ति शाखा की विचारधारा को भी बताना पड़ेगा। तो बीजक वगैरह या शब्द जो भी इन्होंने लिखा था, उनका उल्लेख भी आप जरूर करेंगे। थोड़ा सा अगर आपको कबीर का बैकग्राउंड पता है तो वो भी आप लिखेंगे कि पेशे से जुलाहे थे एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, जितने संत भक्ति, जितने प्रमुख संत निर्गुण और सगुण भक्ति धारा के, सबके ऊपर आप 60-60 वर्ड्स बनाकर रखिए, वो फैक्चुअल, वो 100 वर्ड्स में आता है ना, तो थोड़ा सा आप इंट्रो और कंक्लूजन जोड़ के या शुरुआत के कुछ पैराग्राफ जोड़ के 100 शब्दों में खींच सकते हैं, पर 60-60 शब्द तो भक्ति संतों के ऊपर बना के रखें। ठीक, उसके बाद है, दलित उद्धार में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की भूमिका मूल्यांकन कीजिए। ये भी आपका सोशल रिफॉर्म मूवमेंट मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है। दलित मूवमेंट, मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट, ये दोनों ही आपके सिलेबस में अलग से मेंशन है, और मैंने सोशल रिलीजियस रिफॉर्म में इसको बताया अलग से। तो दलित उत्थान में वैसे तो काफी सारे लोगों के नाम आते हैं, पर बी आर अम्बेडकर का नाम अलग से लिया जाता है। इन्होंने संवैधानिक तरीके से, इन्होंने लीगल तरीके से दलितों के उद्धार के लिए कार्य किया था। तो आपको इसमें क्या उल्लेख करना है, इनके द्वारा क्या क्या संस्थाएं बनाई गई, इनके द्वारा कौन कौन सी पब्लिकेशन और कौन कौन सी बुक्स लिखी गई,
हम पढ़ते ना द अनटचेबल्स इन्होंने लिखी थी, फिर कौन कौन शब्द था, डिप्रेस क्लास मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट किया था, फिर डिप्रेस क्लास मूवमेंट का जिक्र करके द अनटचेबल्स किताब का जिक्र करेंगे, तो सारे स्टेप्स इन्होंने दलितों के लिए कम्युनल लिटरेट में विस्तार की बात की थी, जिसके बाद मैकडोनल्ड अवार्ड लाया गया था जो उनकी सफलता मानी जाती है। तो संवैधानिक रूप से आरक्षण दिलाने तक जितना कार्य इन्होंने किया था, डिप्रेस क्लास मूवमेंट, द अनटचेबल्स किताब, ये सारे से लेकर के आरक्षण दिलाने तक जितने भी कार्य हैं उन सबको हाईलाइट करना है आपको इस शॉर्ट शब्द। ठीक, ये हो गया 2018 का 100 वर्ड्स के क्वेश्चंस। अब आ जाते हैं हम आगे, क्योंकि 16 और 17 का एनालिसिस करें तो 16 और 17 में 20 और 40 मार्क्स के भी क्वेश्चन थे, तो देखिए हम पहले 20 मार्क्स से जो क्वेश्चन है 16 और 17 की वो देखते हैं, उसके बाद जो 40 मार्क्स के क्वेश्चन थे वो देखते हैं, फिर 2018 में जो अब नया फॉर्मेट है जिसमें 15 मार्क्स का 175 वर्ड्स का है उसको देखेंगे। तो एक एक करके पहले 20 मार्क्स का, फिर 40 मार्क्स का, फिर उसके बाद 2018 का जो नया फॉर्मेट है उसके हिसाब से। तो 20 मार्क्स के क्वेश्चन में 2016 में पूछा था, ब्रिटिश आर्थिक नीति के संदर्भ में निम्नलिखित का विश्लेषण कीजिए, कृषि और कृषकों का प्रभाव, आधुनिक उद्योगों का विकास। ये दोनों ही टॉपिक आपके मेंस के सिलेबस में अलग से मेंशन किए गए हैं, और इस पर जब मैंने आपको लेक्चर पढ़ाया था तो मैंने कहा था सब पे आपको 100 वर्ड्स, जो मैंने अभी कहा ना, कृषि का वाणिज्यकरण, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, रेलवे का विकास, उद्योगों का विकास, कृषि, भारत में कृषि और कृषि पर प्रभाव, ये सब चीजों पर एक लेक्चर है। इन पांचों छह टॉपिक पे 100 वर्ड्स तैयार करके रखेंगे, भले ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है क्योंकि ये कंबाइंड है, दो हिस्से हैं इसके। ठीक है, तो कृषि और कृषकों का प्रभाव, ठीक, भारत में कृषि अंग्रेजों के आगमन से पहले कैसी थी, अंग्रेजों के आगमन के बाद इसमें क्या चेंजेस है, उसके पॉजिटिव्स क्या थे, नेगेटिव्स क्या थे, वो आपको बताना है। फिर उद्योगों का विकास, बिल्कुल वही चीज, उद्योग पहले कैसे थे, किस तरह से हैंडीक्राफ्ट यहाँ पे पनपता था, किस तरह से यहाँ पे कपड़ा व्यापार या मैं कहूँ कपड़े के उद्योग काफी ज्यादा सफल थे, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद और खासतौर पर इंग्लैंड में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ उसके बाद भारत किस तरह से एक अंग्रेजी इंडस्ट्रीज या गुड्स का मार्केट बनकर रह गया, किस तरह से यहाँ पे जो हस्तकरघा है या यहाँ के जितने लोकल हैंडीक्राफ्ट हैं उनका पतन हुआ, ये सारी चीजें बताएंगे। और उसके बाद जो पॉजिटिव बात है कि अंग्रेजों ने यहाँ पे आधुनिक उद्योगों की स्थापना किस तरह से की, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज यहाँ पे डली, चाहे वो बॉम्बे वीवर्स इंडस्ट्री की बात करें हम, कपड़ा उद्योगों की बात करें हम, या जूट इंडस्ट्रीज की बात करें हम, या कॉटन इंडस्ट्रीज की बात करें हम, किस तरह से कमर्शियल खेती से उद्योगों का विकास सफल हो पाया, ये दोनों ही चीजों को आपको लिंक करके इसमें बताना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद 2017 में क्वेश्चन पूछा था 20 मार्क्स का, एक ही क्वेश्चन रहता है ना उसमें, तो उस 2016 में एक और इसमें। मद्रास प्रेसिडेंसी के रंपा क्षेत्र के आदिवासी किसान विद्रोह, गांधी के प्रारंभिक किसान आंदोलन को लेख कीजिए, मतलब ये 10 मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहा था, 10 मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहा है। अब अगर आपको 15 मार्क्स का पूछता है तो ये दोनों को मिला करके पूछ सकता है। देखिए भारत में जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसमें मेनली हमारा जो फोकस रहता है वो तो कांग्रेस की स्थापना से लेकर 1947 तक के जो विद्रोह है या जो घटनाक्रम है उस पर रहता है, लेकिन इसके साथ ही पैरेलली बहुत सारे और विद्रोह चल रहे थे 1857 की क्रांति से पहले और 1857 की क्रांति के बाद, बहुत सारे जनजाति, बहुत सारे नागरिक, बहुत सारे ऐसे विद्रोह हुए थे जिनकी डिटेल्स आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, उन्हीं पर से क्वेश्चन पूछा गया है। ये रंपा विद्रोह के ऊपर पूछा है, कहाँ हुआ था, कब हुआ था, कौन मेन लीडर थे, क्या हुआ था, चार मेन चीज, कहाँ हुआ था, कब हुआ था, कौन मेन लीडर थे, किसके खिलाफ ये विद्रोह हुआ था, इसका अंजाम क्या हुआ, ये पांच चीजों के हिसाब से अब 1857 के पहले और बाद के जो विद्रोह है उनके ऊपर आप कम से कम 60 वर्ड्स बना करके रखें। विद्रोह कहाँ, कब, कौन मेन लीडर्स थे, वजह क्या थी और अंत कैसा हुआ। ठीक है, तो रंपा के अलावा बाकी जितने विद्रोह उसका भी मैंने एक लेक्चर में पूरा डील किया है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को आप उस पर नोट्स बना लेंगे। ठीक, उसके अलावा गांधी की प्रारंभिक किसान आंदोलन का उल्लेख कीजिए, तो 1920 में गांधीयन काल शुरू होने से पहले चंपारण सत्याग्रह किया था उसको आपको बताना है, खेड़ा सत्याग्रह किया था उसको आपको बताना है, तो 1718 में चंपारण और खेड़ा ये प्रारंभिक आंदोलन थे ना, उसी का उल्लेख इसमें करने के लिए कहा है इसमें। ठीक, तो हो गया ये 20 मार्क्स का। उसके बाद 40 मार्क्स का जो क्वेश्चन था 500 वर्ड्स का 2016 में, जाहिर सी बात है हमेशा एक ही क्वेश्चन नहीं आता था, इसके चार सेक्शन इसने डाल दिए थे, तो इसमें पहला सेक्शन था हिंदू राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, दूसरा था इडिबर्ट बिल विवाद का उल्लेख करते हुए उसकी परिणाम लिखी, तीसरा था अन्य ऐतिहासिक तत्वों तथा शक्तियों का वर्णन कीजिए जिन्होंने अंग्रेजों को 47 में भारत विभाजित करने के
करके छोड़ने के लिए बाध्य किया। और चौथा है किसान आंदोलन में स्वामी सहजानंद की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो देखिए चार हिस्से हैं और ये चार हिस्सों को थोड़ा एलेबरेट करके क्वेश्चंस अटैच करके आपको 50 मार्क्स से पूछ सकता है और ये इवन आपका जो 100 वर्ड्स वाले क्वेश्चन है 8 मार्क्स उसमें भी पूछ सकता है एक एक हिस्से को। ठीक है, हिंदू राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? आप सभी जानते हैं कि हिंदू राष्ट्रवाद एक अवधारणा है जो संस्कृति और अध्यात्म पर बेस्ड है, यहाँ पर आधारित है। ठीक है, और इस तरह की राष्ट्र को पहला रखना या भारत में हिंदुत्व को पहला रखना, सभी चीजों से प्रेफरेंस देना, इसे ये हिंदू राष्ट्रवाद कहलाता है। एक्चुअली आपको इसकी अवधारणा समझानी पड़ेगी कि हिंदू राष्ट्रवाद क्या है। एक तरह की अभिव्यक्ति है जिसमें यहाँ पे रहने वाले लोग आध्यात्मिक परंपराओं के आधार पर, सांस्कृतिक परंपराओं के आधार पर हिंदुत्व की बातें करते, हिंदुत्व को महत्व देने की बातें करते। उसके अलावा हिंदू राष्ट्रवाद से संबंधित कुछ व्यक्तियों को, कुछ संस्थाओं को आपको यहाँ पे उल्लेखित करना पड़ेगा, जैसे कि विनायक दामोदर सावरकर का 1923 में जो हिंदुत्व का या हिंदू राष्ट्रवाद की बात उन्होंने कही थी, तो आपको दामोदर का नाम या सावरकर का नाम यहाँ पे उल्लेखित करना पड़ेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम आपको उल्लेखित करना पड़ेगा। तो ऐसे जितने आपके दल हैं या जितने ऐसे व्यक्ति हैं जो राष्ट्रवाद से संबंधित है हिंदू राष्ट्रवाद से, उनको आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, एल्बर्ट मिल कॉन्ट्रोवर्सी पूछा है। तो आप सभी जानते हैं कि 1883 में लॉर्ड रिपन के वक्त में कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी जिसमें ये लेजिस्लेशन आया था कि इंडिया के जो सीनियर जजेस हैं वो ब्रिटिशर्स की सुनवाई भी कर सकते हैं। पहले ऐसा था कि इंडिया के जजेस के सामने किसी ब्रिटिश कल्प्रिट को नहीं लाया जा सकता था। इंडियन जजेस जो ब्रिटिश एरा में थे, जो भारतीय मूल के थे, वो किसी भी ब्रिटिशर को सजा नहीं सुना सकते थे, उसका फैसला नहीं कर सकते थे। पर एल्बर्ट बिल एक ऐसा बिल था जिसमें इंडियन जजेस को अधिकार दे दिया गया कि वो ब्रिटिश जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए भी फैसला सुना सके, जिसकी वजह से अंग्रेजों के बीच में काफी कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी और इस वजह से एक श्वेत विद्रोह भी हुआ था लॉर्ड रिपन के खिलाफ। ठीक है, तो एल्बर्ट बिल कॉन्ट्रोवर्सी के ऊपर आपको एक नोट लिखना। उसके बाद आता है डिस्क्राइब द अदर हिस्टोरिकल फैक्टर्स एंड फोर्सेस व्हिच ऑब्लिगेट ब्रिटिशर्स टू डिवाइड एंड क्विट इंडिया 1947। 1942 से ही ब्रिटिशर्स की पकड़ काफी कमजोर हो गई थी इंडिया में, और उसके अलावा भारत में चल रहा क्विट इंडिया मूवमेंट और दूसरे आंतरिक और बाह्य जो आंदोलन थे उन्होंने भारत को आजादी दिलाने में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का आपको इसमें खासतौर पर उल्लेख करना पड़ेगा। उसके अलावा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में ये जो पॉलिटिकली वीक हो गए थे, जो इकोनॉमिकली वीक हो गए थे, उसके बारे में बात करना पड़ेगा। क्विट इंडिया मूवमेंट के अलावा पैरेलल जितने विद्रोह हो रहे थे उनके बारे में बात करना पड़ेगा। कुल मिला के 47 की आज़ादी तक के वहाँ पे क्लेमेंट एटली का आना, उनके मैनिफेस्टो में भारत को आज़ादी दिलाने की बात, ये पूरी चीज़ें मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर में डील किया है, उन सभी चीज़ों को आपको इसमें डिस्क्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद है किसान आंदोलन में स्वामी सहजानंद की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, इसके ऊपर अलग से मैंने लेक्चर्स बनाए हैं, तो उसमें से स्वामी सहजानंद की एक इम्पॉर्टेंट भूमिका थी जिन्होंने बिहार से किसान आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था, उन्होंने अपने एक दल बनाया था। तो इनके ऊपर आप किसान आंदोलन के अंतर्गत ही 60 वर्ड्स कम से कम बना करके रखिए। ऐसा तो 10 वर्ड या मैं कहूँ इसमें दिया है अटैचमेंट के तौर पर ये 10 मार्क्स का पूछना मुश्किल है, या मैं कहूँ इवन 8 मार्क्स का भी पूछना मुश्किल है, ज्यादा से ज्यादा ये 60 वर्ड्स का पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया 2016 में। उसके बाद 2017 में आया जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बीच समानताएं और भिन्नताएं दर्शाई। तो थोड़ी देर पहले मैंने ये दो दो पॉइंट्स करके बताया था, उसी का इलाबोरेशन है। दोनों ही डॉक्ट्रिन्स में अनात्मवाद को लेकर, पुनर्जन्म को लेकर, ईश्वर के लेकर, मूर्ति पूजा को लेकर क्या क्या समानता है और भिन्नता है, भारत के अंदर जैन धर्म क्यों ज्यादा है, भारत के बाहर बौद्ध धर्म क्यों ज्यादा है, क्यों एक समय में जैन धर्म को पॉपुलैरिटी मिली, क्यों एक समय बौद्ध धर्म को पॉपुलैरिटी मिली, ये सभी चीजें बताना है। लेकिन अच्छा तरीका इसको लिखने का होगा कि आप एक डिफरेंस टेबल ड्रॉ करके पहले सिमिलैरिटीज लिख लीजिए, फिर डिफरेंसेस लिख लीजिए। उस टाइम आपने दो दो पॉइंट्स लिखे थे, अब इसमें कम से कम आप चार चार पॉइंट्स लिखिए, तब जाके आपको इसमें ज्यादा पॉइंट्स, ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, इलेबरेट द अलवार से नैनार सेक्स ऑफ साउथ इंडिया। तो मध्यकाल में जो आपने दक्षिण भारत पढ़ा था, तो आपको ये मैंने बताया था कि भक्ति आंदोलन जो भारत में आया वो अलवार और नैनार संतों की वजह से आया, तो उन्हीं के ऊपर ये क्वेश्चन है। आप इसके ऊपर भी 60 वर्ड्स बनाकर रखें। Explain the relationship between Awadh and British East India Company. आपको एक लेक्चर मैंने पढ़ाया था जिसमें भारत में जो अलग अलग राज्य थे, प्रांत थे, उनके साथ किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने कभी पॉलिसी के तहत, कभी युद्ध के तहत अपने एम्पायर को एक्सपेंड किया, तो उसी में से अवध भी है।
ठीक है। तो अवध का एनेक्सेशन अंग्रेजों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत किया था 1856 में, जब वहां पर मिस गवर्नेंस या कुशासन के कुशासन का आरोप लगाते हुए अवध को एनेक्स कर लिया था। तो अवध और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अलग अलग एस्पेक्ट है उसी को क्लब करके यहाँ पर लिखना है, ठीक है। उसके बाद 1858 में महारानी की उद्घोषणा के प्रमुख बिंदुओं का उल्लेख करते हुए इसका महत्व बताइए। 57 की क्रांति के बाद 58 में 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था। बस उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के जो इंपॉर्टेंट प्रावधान थे उनको आपको लिखना है और ये बताना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य को समाप्त करके पूरा जो पावर है वो महारानी ने अपने हाथों में ले लिया। क्या कुछ बदलाव हुए वो एक्ट के तहत जितनी चीजें मैंने बताई थी उसका आपको यहाँ पे पॉइंट वाइज उल्लेख करना है। ये भी पॉइंट वाइज लिखने वाला आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो अब आ जाते हैं हम जो 2018 में नए किस्म का क्वेश्चन फ्रेम किया गया 15 मार्क्स का 175 वर्ड्स का। इसमें भी इसने दो क्वेश्चन को कंबाइन किया, एक क्वेश्चन से इसने 15 मार्क्स फेच करने की कोशिश नहीं करवाई है, दो क्वेश्चन को कंबाइन किया। इसका मतलब 1 से 7, 1 से 8 मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये एग्जामिनर पर डिपेंड करता है। पहला अलीगढ़ मूवमेंट से रिलेटेड है तो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट यानी मॉडर्न हिस्ट्री। दूसरा समुद्रगुप्त से संबंधित है मतलब एंशियंट हिस्ट्री। मतलब अगला जो मेंस हो सकता है उसमें जरूरी नहीं किसी सेक्शन से पूछे, वो मिडिवल हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछ सकता है 15 मार्क्स का, ठीक है। तो कोई भी दो सेक्शन का कॉम्बिनेशन पूछेगा, दोनों मॉडर्न की दोनों एंशियंट की नहीं है, एक मॉडर्न का एक एंशियंट का, तो हो सकता है अगले बार मिडिवल मॉडर्न या मिडिवल एंशियंट करके कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चन दे। पर इतना तो है कि दो क्वेश्चन पूछ रहा है वो 15 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो अलीगढ़ मूवमेंट में सर सैयद अहमद खान, उनकी साइंटिफिक सोसाइटी, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ठीक है, पूरे जितने हैं आपके वो उनके एफर्ट्स जो मुस्लिम सुधार में थे, वेस्टर्न एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन के जरिए भारत में मुस्लिमों के विकास के लिए जो उन्होंने एफर्ट्स किए थे उसको आपको यहाँ पर लिखना है। और दूसरा यहाँ पे समुद्रगुप्त के विजय अभियानों में जो उत्तर के विजय अभियान थे और दक्षिण के विजय अभियान थे, ठीक, दोनों के नाम अलग अलग मैंने आपको बताए थे। एक जगह 9 राज्य उन्होंने जीते, एक जगह 12 राज्य जीते। ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की जो नीति थी, प्रायः प्रशस्ति अभिलेख, ये पूरा एक डिस्क्रिप्शन है। ये तो एक काफी अच्छा मैटर है जो यहाँ पे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड भी रहता है, जो पूछा जा सकता है और पूछा भी है, ठीक है। तो ऐसा लास्ट ईयर का पैटर्न था, अगले बार कोई भी दो सेक्शन का कॉम्बिनेशन पूछ सकता है। फाइन विद दैट, so that is it for today's analysis of the mains question paper। देखिए ये हम बहुत डिटेल में तो नहीं कर सकते, आज की इस वीडियो लेक्चर का मेन मकसद था एक पैटर्न से आपको अवगत कराना, मेन मकसद था हर तरह के क्वेश्चन को एग्जाम्पल लेकर आपको बताना। पहले भी आपको बताया जा चुका है मेन्स ओरिएंटेड क्लासेस में, मैंने इनिशियल कुछ लेक्चर्स डाले थे कि मेन्स में आंसर कैसे लिखना है, तो उसमें बताया था मैंने कि किस तरह के क्वेश्चन पूछने पर कैसे किस लाइन में किस तरह के प्रेजेंटेशन में आंसर लिखने हैं आपको। यहाँ पे जो आज का मकसद था वो एग्जाम्पल के तौर पर उसी पैटर्न को बताना, हम यहाँ पढ़ा नहीं रहे, ठीक है। मैं आपको आज का जो मकसद था वो पढ़ाना नहीं था, मैंने आपको जो मेंस के आंसर राइटिंग के बारे में बताया था उसको विद एग्जाम्पल बताना चाहती थी, इस वजह से मैंने एनालिसिस रखा था, ठीक है। और मैंने साथ ही साथ पैरेलली बता दी गई कि अगर ये क्वेश्चन आया तो इसके अलावा और क्या क्वेश्चन आ सकता है, आपको कितने वर्ड्स का किस तरह से किस पर नोट्स कैसे प्रिपेयर करके रखने, ठीक है। बाकी अगर कोई और कहीं डाउट है आंसर कैसे लिखना है इस पर, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कॉमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। दैट इज इट विद टुडेज लेक्चर, थैंक यू सो मच। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।